अभी वर्ल्ड एलर्जी वीक चल रहा है, जिसमें जो पोल्यूशन बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग, उसके जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसमें एलर्जी बहुत बढ़ते जा रही है। इवन बहुत कम उम्र के बच्चों को भी एलर्जी के, स्किन एलर्जी एक्जिमा कहते हैं, वहाँ से लेके सर्दी खांसी, रिपीटेड कफ होना, टॉन्सिल, गले के इन्फेक्शंस, आँखों की एलर्जी, जो बच्चे रब करते रहते हैं, ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ये भी उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि रब करने की वजह से आँखों पे भी स्क्रैचेस आते हैं, आगे चल के उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसी तरह से यही जब एलर्जी उसके पेशियाँ होती है, मास सेल्स, अगर वो पेट के यहाँ से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो कुछ बच्चों में बार बार पेट की प्रॉब्लम होती है, कोलिक स्पाजम्स बोलते हैं, GRD रिफ्लक्स, मतलब वोमिटिंग होती है, तो कुछ बच्चों में फिर आगे चल के बालदमा होता है, कुछ पेशेंट्स में अर्टिकेरिया, बॉडी पे पित्त होना, ये भी हो सकता है। और इसमें एलर्जी में बीच में कभी कभी विंडो पीरियड होता है, जबकि पेशेंट को ऊपर से सिम्टम्स नहीं होते हैं, लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन अंदर से ही नए पोलन्स की, डस्ट माइट्स, इनका एलर्जी बढ़ते जाता है। और फिर आगे उसमें से काफ़ी बच्चे नाक की हड्डी की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, खर्राटे लेना, मुंह खुला रख के सांस लेना, कान के प्रॉब्लम्स, और फिर उसमें से भी काफ़ी पेशेंट जो है बीच में ये सर्दी या साइनस या आँख की एलर्जी कम हो जाती है, और बाद में बड़प्पन के दमा में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, फेफड़ों की बीमारियाँ, इसमें चले जाते हैं। तो ये हमें रोकने के लिए, अगर हम सही तरीके से वातावरण पे भी अगर परिणाम क्या होते हैं वो भी देख सकते हैं, तो पोल्यूशन कम करने से लेके एनवायरमेंटल केयर करनी चाहिए। और वो पेशेंट्स के लिए अगर सही स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट करके अगर हम वो एलर्जेंस को ढूंढते हैं और उसके ऊपर डिसेंसिटाइजेशन या एलर्जी वैक्सीन, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी फ़ायदा देती है।